हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्टेफ ओरियस। एज यू नो, स्टेफ ओरियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन जीपीसी एज वेल एज जीपीसी मीन्स ग्राम पॉजिटिव कोकाई एज वेल एज इन पैथोजेनिक स्टेफ। सो इसका मेडिकल और क्लिनिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सो वी विल स्टडी अबाउट स्टेफ ओरियस इन डिटेल। सो फर्स्टली इट इज़ अ जीपीसी, दैट मीन्स ग्राम पॉजिटिव कोकाई, and it is a catalase positive organism as well as coagulase positive also. gram staining की बात करें तो it is violet grape like structure. gram staining के बाद ये violet grape like structure में दिखता है, and on nutrient agar it produces special color like golden yellow pigmentation, and on blood agar it shows complete beta hemolysis. Now the question is arise, what is beta hemolysis? Beta hemolysis means complete hemolysis. Suppose if it is a some organism, there is a one circle, this is half and there is nothing. So जहाँ पे पूरा हेमोलाइसिस होता है कंप्लीट, वो होता है बीटा हेमोलाइसिस। जहाँ पे हाफ हेमोलाइसिस होता है, इनकम्प्लीट हेमोलाइसिस, इज अल्फा हेमोलाइसिस। एंड जहाँ पे हेमोलाइसिस होता ही नहीं है, वो गामा हेमोलाइसिस। सो दिस स्टेफ ओरियस इज शोइंग बीटा हेमोलाइसिस, कंप्लीट हेमोलाइसिस, एंड इट हैज पिन हेड साइज कॉलोनीज। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सो वी हैव टू हाईलाइट दिस। दे इन कल्चर मीडियम इट शोज पिन हेड साइज कॉलोनीज। ग्राम स्टेनिंग के बाद वॉलेट ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, न्यूट्रेंट अगार में गोल्डन येलो पिगमेंटेशन, एंड ब्लड अगार में कंप्लीट हेमोलाइसिस, डेट मीन्स बीटा हेमोलाइसिस। कल्चर मीडियम जो इसका सबसे बेस्ट या सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है वो MSA, डेट मीन्स मैनिटॉल न्यूट्रेंट अगार, मैनिटॉल सॉल्ट अगार। एंड सेकेंड बेस्ट इज लुडलेम्स मीडिया। तो ये दोनों ही कल्चर सबसे बेस्ट माने जाते हैं इन केस ऑफ स्टेफ ओरियस, बस बट MSA इज प्रेफरेबल। देन वील टॉक अबाउट वायरलेंस फैक्टर। वायरलेंस फैक्टर मीन्स कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिसिटी बढ़ाने के लिए जिस फैक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, किन फैक्टर्स की वजह से वो डिजीज़ या पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उन्हें बोलते हैं वायरलेंस फैक्टर्स। तो फर्स्टली द वायरलेंस फैक्टर इज थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। सेकेंड इज टिकॉइक एसिड। थर्ड इज क्लंपिंग फैक्टर। एंड फोर्थ इज प्रोटीन। प्रोटीन में एक एक्सेप्शन ये है कि प्रोटीन सारे स्ट्रेन्स में नहीं पाया जाता, इट ओनली फाउंड इन कोवन स्ट्रेन ऑफ स्टेफ ओरियस। कोवन स्ट्रेन सारे स्ट्रेन्स में प्रेजेंट नहीं होता। एंड इट हेल्प्स इन एग्लूटिनेशन, को एग्लूटिनेशन प्रोसेस, को एग्लूटिनेशन प्रोसेस। And it has the special property to bind Fc portion of IgG antibody. सो वन ऑफ द फैक्टर इज दिस, बट ये प्रोटीन है सारे स्ट्रेन्स में नहीं होता है स्टेफ ओरियस के। देन नेक्स्ट इज एंजाइम। सो देर आर सम एंजाइम्स ऑल्सो विच प्ले अ ह्यूज रोल इन इंक्रीजिंग वायरलेंस फैक्टर ऑफ स्टेफ ओरियस। सो फर्स्ट इज DNAs, थर्मोन्यूक्लियस, कोगुलेज, लाइपेज एंड फॉस्फेटेज। द इम्पॉर्टेंट वन इज कोगुलेज। दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंजाइम फैक्टर दैट इंक्रीज द वायरलेंस फैक्टर ऑफ स्टेफ ओरियस।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज। कौन कौन सी डिजीज ये स्पेशली कॉज करता है? सो इम्पॉर्टेंट वन इज फूड पॉइजनिंग फर्स्ट। तो फूड पॉइजनिंग का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 6 घंटे का होता है। ड्यू टू कंटेमिनेटेड मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट की वजह से ये फूड पॉइजनिंग होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्सेप्शन ये है कि फूड पॉइजनिंग 2 ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। एक तो स्टेफ ऑरियस जो हम पढ़ रहे हैं एंड अनदर इज बैसिलस सीरस। बैसिलस बैसिलस सीरस और उसका भी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 6 घंटे का ही होता है। सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दैट द पर्टिकुलर फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू स्टेफ ऑरियस और बैसिलस सीरस? सो फॉर दिस वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग। इन केस ऑफ स्टेफ ऑरियस द फूड पॉइजनिंग इज कॉज ड्यू टू द कंटेमिनेटेड मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स। बट इन केस ऑफ बैसिलस सीरस द फूड पॉइजनिंग इज कॉज ड्यू टू चाइनीज फ्राइड राइस। रीहीटेड। ये जो फ्राइड राइस जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं चाइनीज़ फ्राइड राइस और वो कोई भी स्ट्रीट फूड्स वो बार बार उसको गर्म करके देता है तो उस रीहीटेड प्रोसेस की वजह से ये फूड पॉइजनिंग होती है एंड इट इज़ ड्यू टू द बैसिलस सीरस। द नेक्स्ट इट इज़ द हीट स्टेबल एंटेरोटॉक्सिन एंड द मोस्ट कॉमन एंटेरोटॉक्सिन इन दिस इज ETA एंड देन इट शोज वेगोमीमेट्रिक एक्शन डेट मीन्स वेगल स्टिमुलेशन डेट मीन नोसिया फीलिंग वॉमिटिंग एंड ऑल। देन सेकेंड इज डबल एस इज स्टेफाइलोकोकल स्किन स्कैल्डेट सिंड्रोम। स्टेफाइलोकोकल स्किन स्कैल्डेट सिंड्रोम। अब ये इसमें 2 एंटेरोटॉक्सिन बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं ETA एंड ETA B। ये हमको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। एंड इन चिल्ड्रेन इट कॉल रिटर्स डिजीज। बच्चों में इस बीमारी को रिटर्स डिजीज भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज TSS इट मीन्स टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये जितनी भी डिजीज है फूड पॉइजनिंग SSS और TSS ये टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेज हैं। फिर इसके बाद कुछ डिजीजेज हैं जो कि नॉन टॉक्सिक मीडिएटेड है बट ये सारी टॉक्सिक मीडिएटेड है। सो इन केस ऑफ TSS इट इज़ कॉज बाई ETF एंटेरोटॉक्सिन विच इज़ अ सुपर एंटीजन। अब वर्ड एक आता है सुपर एंटीजन। व्हाट डज इट मीन सुपर एंटीजन? सुपर एंटीजन मीन्स इट कॉज 20% ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच रिलीज मैसिव लिम्फोकाइंस विच लीड्स टू शॉक। नोटेड डाउन है ETF ETF इज अ सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन 20% टी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन ड्यू टू दिस मैसिव लिम्फोकाइंस रिलीज विच रिजल्ट इन शॉक लीड्स टू शॉक। फॉर दिस शॉक वी हैव टू यूज ट्रीटमेंट इज IV फ्लूइड प्लस क्लिंडोमाइसिन। वी विल रिकमेंड दिस मेडिसिन हेयर वैसे तो क्लिंडोमाइसिन जो है कि वो इट इज़ अ एंटीबायोटिक बट इन दिस केस क्लिंडोमाइसिन एक्ट एज अ एंटीटॉक्सिक नॉट अ एंटीबायोटिक। एंड द सिम्टम इज एब्डोमेन पेन हाई फीवर लो BP फटीग हेडेक इनसफिशियंट यूरिन प्रोडक्शन वॉमिटिंग रैशेज एंड ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट डिसीजेज एंड दिस इज कॉज TSS इज वेरी कॉमन इन
दोज फीमेल्स हु यूज कंटेमिनेटेड वेजिनल टेम्पून्स ड्यूरिंग मेंसेस। सो दिस इज़ वेरी कॉमन, बट ये पहले कॉमन था, अब ये रीज़न कम हो गया है। पहले ये बहुत ज़्यादा कॉमन था कि ये उन्हीं को होता था जो फीमेल्स कंटेमिनेटेड टेम्पून्स यूज़ करती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजीजेस ऑफ अ स्टेफ ऑरियस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ग्राम पॉजिटिव बेसिली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।